हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का सीन ये है कि अभी टाइम हुआ है 6:45 और हम पहुंच चुके हैं तैयार होके होटल पे, क्योंकि आज हमें जाना है राजकोट, क्योंकि मितांश को अस्पताल ले जाना है। इनका हर 6 महीने के बाद इनका चेकअप करवाना होता है। एक बार इनको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तो हर बार 6 महीने के बाद इनके रिपोर्ट करवाने ज़रूरी है। तो आज हम जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो रेगुलर है, लेकिन रिपोर्ट करवाना ज़रूरी होता है। तो हम अभी जा रहे हैं, तो आगे का ब्लॉग आप देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आ गया है मेरा फ्रेंड, कितने इंतज़ार के बाद अभी हम निकलते हैं। चलो, तो अभी हम निकल चुके हैं राजकोट। थोड़ा सा लेट है, लेकिन पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें 10 बजे वहां पहुंचना था, लेकिन 7 तो यहीं बज चुके हैं। तो अभी यहां से 200 किलोमीटर हमारा राजकोट दूर है। तो मितांश है, तो मितांश को बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि अस्पताल से तो कितनी है 5 या 10 मिनट लगेंगे। हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे चाय पानी का, और चाय पानी पी के फिर से हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम पहुंचे हुए हैं जूनागढ़, तो अभी आधे रास्ते हम पहुंच चुके हैं, अभी आधा रास्ता काटना है। तो तुझे कुछ खाना है कि नहीं? क्या चल मास्क पहन ले, चप्पल ले, चप्पल क्या। तो अब पीते हैं हम चाय, तो अभी फिर चलते हैं। अभी कहाँ भी स्टॉप नहीं करना है। तो मितांश ने ले लिया है उनका वेफर। यहाँ पे आप देख सकते हो गिरनार जूनागढ़, जो गिरनार अभी रोप पे बना हुआ है, वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गिरनार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डूंगर। तो अभी हम राजकोट पहुँच चुके हैं और हमने नाम लिखवा लिया है। अभी थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हमारे आगे 4-5 पेशेंट है। तो अभी हम बाहर आ गए हैं फिर से गाड़ी में, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि बात ही मत कीजिए। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे वेट करते हैं, और फिर हमारी जो बारी आएगी तो फिर हम इनको बता के फिर हम वापस चले जाएंगे, और कहाँ दूसरी कहाँ जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। मितांश को यहाँ पे मज़ा आ गया, क्योंकि यहाँ पे खेलने के लिए कितने सारे टॉयज उनको मिल चुके हैं। वाओ, ये कौन आया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, छुप गया। ओ माय गॉड, वाओ, वो तो वहाँ पे निकला। हमारे जो मितांश को डॉक्टर के पास बताना था वो हमने बता दिया है, और अभी टाइम हो चुका है 4, क्योंकि अभी सुबह से हमने कुछ भी खाया नहीं है। मितांश ने खाना खा लिया था, क्योंकि इनका टिफ़िन तो हम साथ में ही लेकर आए थे, लेकिन अभी हमने नहीं खाया है, क्योंकि टोटल हम अराउंड 10 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन अभी हमारा नंबर आते आते 4 बज गए। तो अभी अभी हम निकलते हैं, पहले हम खाना खाएँगे, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। कैसे जा रहे है, देख वो वो वो। अभी हम पहुंच चुके हैं मॉल में, रिलायंस मॉल में। अभी
तो थोड़ी सी हम खरीदी कर लेते हैं। ओ गए 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 हेलो हाय। अभी हमने शॉपिंग कर लिया है और हम जा रहे हैं वापस। तो अभी हम राजकोट से निकल चुके हैं और ट्रैफिक इतनी ज्यादा है कि आप देख लीजिए यहाँ पे। मैं बैक कैमरा करके आपको बता देता हूँ, तगड़े वाली ट्रैफिक अभी जाम हुई है। ओ भाई साहब ये कितनी ज्यादा ट्रैफिक है, आगे तक अभी तो मुझे दिख रही है लाइन, थोड़ी सी आगे बढ़ती है फिर रुक जाती है। बस स्टॉप स्टॉप इतनी सी आगे बढ़ती है, तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक अभी हो रही है और टाइम भी अभी 5 बज चुके हैं, ट्रैफिक का टाइम भी है। तो कब अब हम घर पहुँचेंगे। फिर से पहुँच चुके हैं जूनागढ़। और मितांश कब से सो गया है क्योंकि आज वो पूरा थक चुका था। हम पहुँच चुके हैं जूनागढ़ और करने बैठे हैं नाश्ता, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। मितांश ने तो खा लिया था लेकिन मैंने और मेरा फ्रेंड परेश ने कुछ भी नहीं खाया था, तो अभी कुछ खाते हैं। खाने में अभी तो क्योंकि खाना तो नहीं होगा कहीं भी, लेकिन हम नाश्ता करने के लिए अभी बैठे हुए हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा आवाज़ है। अभी करने बैठे हुए नाश्ता, अभी तक हमारी प्लेट आई हुई नहीं है, तो करते हैं इंतज़ार कब हमारी प्लेट आती है। तो अभी हम कहाँ पहुँचे मितांश? हैं? गोला खाने। कहाँ पे? राज का गोला। राज का गोला खाने के लिए। तो अभी हम आए हुए हैं गोला खाने के लिए। तो तुम सब अभी राज करो, राज का गोला। हाँ राज का गोला, चलो देखते हैं। हम अभी आएंगे फिर हम आपको बताएंगे। मितांश ने तो पूरा हिला डाला। ऐसा क्या कर दिया मितांश तूने? अभी अभी मैं उठा हूँ और आज बहुत देरी हो चुकी है उठने में, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं और मैं अभी अभी उठा हूँ, क्योंकि कल मैं इतना ज़्यादा थक चुका था कि इनकी बात मत कीजिएगा, इतना ज़्यादा थक चुका था। क्योंकि अभी देर रात हम पहुँचे थे घर पे और फिर मैं ना के डायरेक्ट सो गया, तो सुबह 9 बजे मैं उठा हूँ। और अभी अभी मितांश भी अभी उठा नहीं, सो रहा है, वो भी इतना ज़्यादा थक चुका था। और हमने रात को एंडिंग नहीं किया था वीडियो का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।